या अल्लाह खैर। तो भाई साहब ब्लॉग का यही एक मसला होता है। और ये देखे लगी हुई है पिक्चर, नहीं पिक्चर ले रिव्यू हम बाद में देंगे भाई साहब। अस्सलामुअलैकुम। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कल रोज़ा हो और आज हम बाहर ना जाए कुछ खाने के लिए। तो मैंने दोस्तों को मैसेज कर दिया, तो बस जा रहे भाई साहब। सो स्टे ट्यून। और मोबाइल का कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको इग्नोर मार। सही है, ये देख रहे हैं ऐसे मसले दे रहे। सो लेट्स गो, क्योंकि वो अभी वेट करेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा वेट करे, क्योंकि भाई साहब दोस्त है ना यार। सो बस अब मैं निकल रहा हूँ। सबसे पहले इस बालों को थोड़ा ठीक कर दूँ प्रॉपर तरीके से। भाई साहब क्या कर रहे हो, बाहर जा रहे हो? तो थोड़ा बॉल्स हो गए बहुत बड़े। वाह, मैं तो कह रहा था इसको मैं गंजा करूँ, लेकिन सॉरी यार नहीं कर सकता, वोट भी मेरे खिलाफ़ आए कि गंजा करो। लेकिन यार कुछ लोग होते हैं ना कि देखिए भाई साहब तो नहीं करने, तो उनकी बात मैंने मान ली। सो अभी वो वेट कर रहे हैं, तो इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा वेट कर दे और बाद में मुझे कुछ सुनने को मिले, तो बस निकलना ही बेहतर है। लेट्स गो। हाँ भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं जाऊँ और मेरे साथ ये धोना हो। तो तो भाई साहब ब्लॉग का यही एक मसला होता है कि आप गाड़ी पे फोकस नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि ये कहीं उस दिन भी हुआ था ना, तो मैं पिक्चर भी सेंड किया था, तो ऐसे इससे पहले कि वो मसला अगेन हो जाए और वो 1000-3000 में मैं आ गया था, तो दोबारा आ जाऊँ, तो उससे पहले मैं इसको बंद कर लूँगा। रास्ते में हाँ मौका मिला तो रोकेंगे भाई साहब, आइसक्रीम भी खाएंगे। आइसक्रीम इसने कहा कि मेरी तरफ से हो गया, तो चलो इतना वो कर रहा है कि आपने आइसक्रीम मेरे साथ ही खाना होगा, तो इसके साथ ही खाएंगे। सो आप कुछ कहना चाहो? सो हुआ यार, और यूनिवर्सिटी में बहुत से मतलब बंद है, तो मतलब यार ज़िंदगी बहुत बिल्कुल रुक गई है यूनिवर्सिटी बंद। एंड नाउ इंशाल्लाह चलते इससे पहले कि अब 400 का पर्चा हो जाए और 400 रुपये है जेब में सिर्फ, तो मसला बन जाएगा। लेट्स सी। हाँ ना ताल ताड़ रोए ना वर्को तो मैं दूँ आया चिदल तो नखपल राग लूँगा जखपल होगा तो ना से ना चिदल करा ना बाकी ये अब हमारे पेट में होगा भाई साहब पेट। ये हमारे साथ है बर्गर, ये बर्गर बॉय है। असल में इसने कहा कि इंसिस्ट किया कि यार हम बर्गर खाएंगे, लेकिन मैंने इसे कहा कि यार बर्गर का छोड़ दे फिश खाएंगे, और दो वोट्स फिश पे हो गए। तो नहीं मौसम ऐसा था ना। यस एग्जैक्टली, तो बस हमने कहा कि चले फिश ही खा लेते हैं। सही, इसकी फरमाइश पे मैं तो न्यूट्रल हूँ, कहीं भी जाऊँ तो कुछ नहीं कहता। शरीफ न्यूट्रल नहीं था, शरीफ आदमी। दोनों ने चैनल लगा दिया, मैं फ्री में खाऊंगा भाई साहब। चैलेंज भाई साहब, चैलेंज लगा दिया और मैं फ्री में खाऊंगा। इसने कहा कि 30 मिनट में होगा, इसने कहा, और उसने कहा 45 मिनट। एक मिनट, नहीं नहीं वो बैक कैमरा का मसला है, आगे का मसला नहीं है। वो व्लॉग बनाते वक्त मैं जब मिरर के सामने खड़ा हो गया ना, तो उस टाइम मैंने कहा कि ये थोड़ा हिल रहा है भाई साहब, हिल रहा है, तो उसको इग्नोर कर, कैमरा हिल रहा है भाई साहब वॉशरूम में। तो कौन जीता? वो जीत गया, तो हम फ्री में खाएंगे इनको। मैं जानता हूँ अगर आप भी फिश खाने के लिए आ रहे हो तो देखो तस्क्रूम इज़ बेटर देन हुजरा। हुजरा का मैं गया हूँ दो बार भाई साहब। एक बार मैं अपनी मर्ज़ी पे गया, दूसरा मुझे लेके गया था। सही है, वहाँ पे वोटिंग हुई थी। तो मैं यहाँ पे बहुत आया हूँ, लेकिन मतलब खाना इसका बिल्कुल क्लासिक है यार, खाने में कोई वो है ही नहीं। फ़िश खासकर, फ़िश को मैं उसका प्रमोट कर रहा हूँ, त्रस्कून का। हाँ खा रहे हो ना, तो ग्रिल में खा रहे, हाँ ये इसका ज़रा ख्याल कर दें। सही, और प्रोमो कोड हमजा खान यूज़ कर रहे तो आपको 55% डिस्काउंट भी मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जो वहाँ पे मार का गया हो। सो अब हम अपना थोड़ा पर्सनल गपशप लगाएंगे, उसके बाद हम आपके साथ बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझ रहे हो ना, ये इनका मसला है। जैसे कहीं भी जाए ना, तो ये दोनों इस तरह मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब ये स्नैप, अब स्नैप बना।
यो दारे शॉर्टकट रहा तो देख शॉर्टकट देखा रे ना ना सड़े स्टडी शी सड़े यो यो क्लिक कहीं ना नालत नालत सालर बिस्मिल्लाह का रिव्यू हम बाद में देंगे रिव्यू बाद में देंगे सही है कि कैसा कैसा सही और ये देखे लगी हुई है पिक्चर नहीं पिक्चर ले रिव्यू हम बाद में देंगे भाई साहब चल अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई साहब गाना बहुत बहुत किसकी बात पक्की कर दी इसको साइलेंट करें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा अभी तो मोनेटाइज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई साहब गाना बहुत मेरे उसके मुताबिक से बहुत ही अच्छा था अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं गाने के बारे में फिश के बारे में मुझे कह रहे हैं ऐसे तुझे कह रहा हूँ अच्छा के एम को देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाना बहुत मज़े का था हमने फिश खा लिया और अच्छा। ग्रिल में था काफ़ी मज़े का था बस कितने मज़े का और कितने मज़े बस काफ़ी इतना इतने पैसों में इतना रिव्यू आता है ना और फिश कौन सा था तुम क्या कहोगे यार बहुत अच्छा ग्रिल बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था सही है रहू था ना रहू था रहू सही है अब कुछ खाने के लिए मेरे ख्याल से अभी जगह है भाई साहब अभी जगह है और मीठा कुछ खाते और तो अब कुछ मीठे के लिए बस रास्ते में ही ले लेंगे और बस यार घर चलते तो ये मेरे ख्याल से रमज़ान से 30 दिन से पहले हमारी ये आखिरी मीटअप होगी शायद और क्योंकि रमज़ान में फिर हमजा के घर इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम मनाते सके यार साहिल भाई بیا ودا خبر کوم کنا بیا دا نا ما کوز بیا کنز لیک یار تاسو خپ کېګ بس نہ کوما صحیح دا سو بس یہ گانا لگا دیا کبیر سٹرائک آ جائے گا تو اس تے بس من کر رہا سو الحمدللہ کنا کانے کے بعد اب کچھ میٹھا تو میٹھا اس نے مجھے ریفر کر دیا کون سی جگہ مقبول تو وہ فالودہ جو ہوتا ہے نا وہ مطلب صحیح ہے अच्छा बना रहे गलत नहीं और ये जहाँ भी जाता है ना रास्ते पे अगर जा रहा हो ना और तो स्नेप खच खच ये पहचान दे भोसले के सो अब आ जाएगा मकबूल का स्पेशल फालूदा खैर वैसे नहीं आप खैर फाइनली आ गया थैंक यू वेरी मच ब्रो बहुत ही टेस्टी है यार बहुत ही टेस्टी है भाई साहब अमेजिंग ब्रो अमेजिंग यस वैसे यार तू क्या कहेगा कैसी है देर फंटास्टिक दे रहा बहुत ही अच्छी है भाई साहब सो बस यही पर ही वाइंड अप करते हैं और इसको मैं ड्रॉप करूंगा रास्ते में इसका घर आ रहा है और ये अबे ये भाई अपना भाई इसको पहुंचाएगा आपने इसके घर शायद इसको मैं काट दूंगा नो टेंशन हाँ मैं जा रहा हूँ सही तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं रमज़ान के ब्लॉग्स आएंगे उसमें मिलेंगे नालत नालत